हेलो एवरी वन आई एम प्रियंका गोर वेलकम बैक टू माई चैनल लर्निंग विद पेस तो हम रेस्टोरेशन ड्रामा कर रहे थे और रेस्टोरेशन ड्रामा uh, में जितने भी ड्रामेटिस्ट हैं वो लगभग हमने कम्प्लीट कर लिया अभी तीन बाकी हैं निकोलस रो इसके बाद जॉन क्राउन एंड एल्कना सेटल तो इन तीनों को हम अलग अलग वीडियो में ही करेंगे तो so, आज हम बात करेंगे निकोलस रो के बारे में uh, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा एंड फर्स्ट कमेंट सेक्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा प्लस आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा चलिए स्टार्ट करते हैं निकोलस रो इनका लाइफ स्पैन रहा है फ्रॉम सिक्सटीन टू सेवनटीन ये एक इंग्लिश ड्रामेटिस्ट पोइट एंड इंग्लिश राइटर रहे हैं ही वॉज अपॉइंटेड एज पोइट लोरिएट इन सेवनटीन फिफ्टीन एंड दैट टाइम ही सक्सेडेड न टेट एज पोइट लोरिएट देखिए एक चीज़ है कि इंग्लिश लिटरेचर में जितने भी पोइट लोरिएट रहे हैं जो इस पोजिशन पर रहे हैं उन सभी के नाम आपको याद रखने हैं इससे एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा एग्जाम में और आपको ये भी याद रखना है कि जो पोइट लोरिएट बना है उसने किसको सक्सीड किया है जैसे कि नहुम टेट के बाद पोइट लोरिएट कौन बने थे निकोलस रो तो निकोलस रो ने किसको सक्सीड किया था नहुम टेट को ऑन द सक्सेशन ऑफ जॉर्ज वन रो मेड अ सवेयर ऑफ कस्टम्स जॉर्ज वन के सक्सेशन में निकोलस रो को एक पोजीशन दे दी गई सर्वेयर की पोजीशन सर्वेयर का काम क्या होता है टू एग्जामिन पीस ऑफ लैंड और स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग मतलब जो ज़मीन वगैरह है उसका काम करते हैं ये लोग तो इनको जॉर्ज वन के अंडर में सर्वेयर की पोजीशन दे दी गई उसी टाइम पर इन्होंने ल्यूकन के वर्क को ट्रांसलेट किया ल्यूकन के किस वर्क को ट्रांसलेट किया था इन्होंने फारसेलिया को ओके फारसेलिया एक रोमन एपिक पोम है अब देखिए हुआ ये था कि जब इन्होंने ल्यूकन के वर्क को ट्रांसलेट किया ये वर्क जॉर्ज वन को बहुत पसंद आया और इससे फ़ायदा निकोलस रो की वाइफ़ को भी हुआ किस तरीके से जब आ, निकोलस रो की डेथ हो गई थी उसके बाद जो इनकी वाइफ थी जो विडो हो गई थी उनको जॉर्ज वन से पेंशन मिलने लगी थी जस्ट बिकॉज़ निकोलस रो ने ल्यूकिन के वर्क को ट्रांसलेट किया अपॉन हिज डेथ हिज विडो रिसिव्ड अ पेंशन फ्रॉम जॉर्ज वन इन सेवनटीन नाइनटीन इन रिकॉन्गनीशन ऑफ अ हस्बेंड्स ट्रांसलेशन ऑफ ल्यूकन्स वर्क फारसेलिया तो निकोलस रो की डेथ के बाद जो इनकी वाइफ थी इनको जॉर्ज वन से पेंशन मिलने लगी थी जस्ट बिकॉज क्योंकि जो निकोलस रो थे उन्होंने ल्यूकन के वर्क को ट्रांसलेट किया और उस ट्रांसलेशन के रिकॉन्गनीशन की वजह से जॉर्ज वन ने इनकी जो विडो थी निकोलस रो की उनको पेंशन देना स्टार्ट कर दिया था निकोलस रोज फर्स्ट ट्रेजडी वॉज द एम्बिशियस स्टेप मदर विच वॉज रिटर्न इन ब्लैंक वर्स एंड इट वॉज प्रोड्यूस्ड इन सेवनटीन जीरो वन एंड आफ्टर दिस ही प्रोड्यूस्ड हिज नेक्स्ट ट्रेजडी दैट वॉज टेमर लेन इन सेवनटीन जीरो टू एंड इट इज रेमनीसेंट ऑफ जॉन रईड हीरोइक ड्रामा निकोलस रो का जो फर्स्ट प्ले है दैट वॉज द एम्बिशस स्टेप मदर और इस वर्क को इन्होंने ब्लैंक वर्स में लिखा था इस वक्त को इन्होंने सेवनटीन जीरो वन में प्रोड्यूस किया था इसके बाद इन सेवनटीन जीरो टू ही रोट हिज़ नेक्स्ट ट्रेजडी दैट वॉज टेमर लेन और टेमर लेन वर्क कहीं ना कहीं जॉन ब्राइडन के हीरोइ ड्रामाज की याद दिलाता है आफ्टर टेमर लेन निकोलस रो रोट हिज़ फर्स्ट शी ट्रेजडी दैट वॉज द फेयर पर्टिनेंट निकोलस रो ने 1703 में शी ट्रेजडी लिखी जो कि इनकी फर्स्ट शी ट्रेजडी थी और इस वर्क का नाम है द फियर पर्टिनेंट द फेयर पर्टिनेंट इज़ काइंड ऑफ एन अडेप्टशन ऑफ मैसेंजर एंड फील्ड्स वर्क द फैटल डॉरी द फेयर पर्टिनेंट एक अडेप्टशन वर्क है ठीक है और ये इन्होंने किस वर्क से अडेप्ट करके लिखा था मैसेंजर एंड फील्ड के वर्क द फैटल डॉरी से तो मैसेंजर एंड फील्ड का जो ये वर्क है द फैटल डाउरी इसका अडेप्टेसन है द फियर परटिनेंट कुछ राइटर्स ने इस अडेप्टेसन को प्रेज़ किया और कुछ राइटर्स ने इस अडेप्टेसन को क्रिटिसाइज़ किया तो प्रेज किस राइटर ने किया था उनमें से एक हैं सैमुअल जॉनसन और सर वोल्टर कोर्ट ने इस अडेप्टन को कहा कि ये एक पुअर इमिटेशन है लाइक जो ये सर वॉल्टर स्कॉट हैं इन्होंने द फेयर पर्टिनेंट को कहा कि ये एक पुअर इमिटेशन है मैसेंजर के वर्क का सैम्यूअल जॉनसन प्रेज दिस वर्क बाय सेंगट इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्लीजिंग ट्रेजिडीज एवर रिटर्न इन इंग्लिश तो सैम्यूल जॉनसन ने इस अडेप्टन को प्रेज किया वियर एज डिस्पाइट ऑफ इट्स सक्सेस और ग्रेट पॉपुलैरिटी सर वोल्टर स्कॉट क्रिटिसाइज्ड दिस अडेप्टन बाई सेग कि ये एक पुअर इमिटेशन है ऑफ मैसेंजर्स प्ले दैट इज द फैटल डॉरी निकोलस रो फीचर्ड आ करेक्टर लोथैरियो इन हिज अडेप्टशन द फेयर पर्टिनेंट और इस कैरेक्टर के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो करेक्टर है ये ऑलरेडी फीचर हो चुका है इन सर्वेंट्स नॉवल सर्वेंट्स का एक नावल जो है सिक्सटीन जीरो फाइव में जो लिखा गया डोंट क्विजोट इस वर्क में ऑलरेडी एक स्टोरी है द इमर्टिनेंट क्यूरियस मैन और इस स्टोरी में लोथैरियो कैरेक्टर को फीचर किया गया है और यहीं से निकोलस रो ने इस कैरेक्टर को उठाकर अपने अडेप्टशन में यूज़ किया है आफ्टर दिस इन 1704, जीरो फोर रो हैंड्स एट राइटिंग कॉमेडी इन्होंने कॉमेडी लिखना शुरू किया और इनकी फर्स्ट कॉमेडी थी द बिटर लेकिन ये जो इनकी कॉमेडी थी काफ़ी अनसक्सेसफुल रही इसी वजह से रो दोबारा से ट्रेजेडी लिखने लगे और इन्होंने द बिटर के अनसक्सेसफुल होने के बाद 1705 में एक ट्रेजेडी लिखी यूलिसिस और ये जो ट्रेजेडी थी यूलिसिस ये काफ़ी सक्सेसफुल वर्क था इनका 1707 में निकोलस रोट ने एक और वर्क लिखा द रॉयल कन्वर्ट इट वॉज अ स्टोरी अबाउट लव ट्राइंगल बिटवीन टू ब्रदर हैंजेस्ट एंड एयर्ट एंड अ क्रिश्चियन वीमेन नेम्ड एथलिंडा हु इज मार्टर्ड रोयल कन्वर्ट में इन्होंने लव ट्रायंगल को दिखाया जिसमें दो जो ब्रदर होते हैं वो एक क्रिश्चियन वीमेन से प्यार करते हैं और इस लव ट्रायंगल पर बेस्ड ये ट्रेजेडी है आफ्टर दिस वर्क द रॉयल कन्वर्ट ही रोट द ट्रेजडी ऑफ जेन शोर यहाँ पर 1704 है लेकिन इसको 1714 कर लेना क्योंकि ये वर्क इनका 1714 में प्रोड्यूस हुआ था यहाँ पर गलती सेवनटीन जीरो फ़ोर लिखा गया है सो दिस वर्क वॉज एन इमिटेशन ऑफ शेक्सपीरियंस स्टाइल इन्होंने इस वर्क में शेक्सपियरियन स्टाइल को अपनाया है एंड ये वर्क इनका इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ कि इसे कंटिन्यूसली 19 नाइट्स के लिए लंदन स्टेज पर परफॉर्म किया गया इसके बाद इन 1715 ही रोट द ट्रेजिडी ऑफ जेन ग्रे लेकिन ये वर्क उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ जितना द ट्रेजडी ऑफ जेन शोर सक्सेसफुल हुआ था तो आपको ये दोनों वर्क जरूर याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं द ट्रेजिडी ऑफ जेन शोर द ट्रेजिडी ऑफ जेन ग्रे विच वॉज रिटन बाई निकोलस रो निकोलस रो डिड यूजफुल वर्क एज एन एडिटर ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज इन सेवेंटीन जीरो नाइन एंड डिवाइडिंग दैम इंटू एक्ट्स एंड सीन्स एंड ही रोट अ शॉर्ट बायोग्राफी ऑन शेक्सपियर एज़ वेल एंड टाइटल्ड एज सम अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर निकोलस रो ने शेक्सपियर के प्लेस को एडिट किया और उन प्लेज को एक्ट सीन एंड वॉल्यूम्स में डिवाइड करके एक पूरा कंपाइलेशन तैयार किया इन सेवेंटीन जीरो नाइन तो आपको ये भी याद रखना है कि निकोलस रो ने शेक्सपियर्स के प्लेज को एडिट किया प्लस इन्होंने विलियम शेक्सपियर पर एक शॉर्ट बायोग्राफी भी लिखी और इस बायोग्राफी का नाम है सम अकाउंट ऑफ़ द लाइफ ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर तो यहाँ पर निकोलस रो का जो पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी है प्रियंका गौर एट और वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली और फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आंसर सेशन करती रहती हूँ अपने डाउट्स और क्वेरीज आप वहाँ पर पुटअप कर सकते हैं एंड आपको इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं वहाँ पर आपको पी जो है वो प्रोवाइड होती रहती हैं और मुझे अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी आप फॉलो कर सकते हैं तो सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे दिस एट प्रियंका गोड आई विश यू ऑल द बेस्ट कीप लर्निंग थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलना थैंक यू